जय हिंद दोस्तों। इजराइल से बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट निकल के आई है। आई होप आपने न्यूज में सुना होगा। आपको बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में तो पता होगा, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री हैं इजराइल के। पिछले साल इनको ऑपोजिशन की पार्टीज ने मिलकर प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया था और अभी इस साल दोबारा इलेक्शंस हुए हैं और इनकी पार्टी दोबारा से लार्जेस्ट पार्टी के रूप में निकल के आई है और बहुत हाई चांसेस हैं कि अब एक बार फिर दोबारा ये इसराइल के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, जैसे कि 3.5 साल के अंदर 5 बार इलेक्शन क्यों करवाना पड़ा, इतना फ्रिक्वेंटली इलेक्शन क्यों करवाना पड़ा, और इनके प्रधानमंत्री बनने से, अगर बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री बनते हैं तो उससे भारत को क्या फायदा होगा। अब इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक वे से हमें वहां का पॉलिटिकल सिस्टम समझना होगा, वहां का वोटिंग सिस्टम समझना होगा। जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट है, वहां पे जो असेंबली है उनकी, उसको बोलते हैं क्नेसेट। यहां पे के साइलेंट नहीं है तो इसको बोलते हैं क्नेसेट, और इसके 120 मेंबर्स होते हैं। यहां जो आप पिक्चर देख रहे हो ये वहां के क्नेसेट की ही पिक्चर देख रहे हो। सबसे पहले हम इसराइल के थोड़े डेमोग्राफिक्स को समझ लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन जो इस देश की है वो है नियरली 95 लाख, मतलब 1 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। अगर हम अलग अलग कैटेगरीज देखें तो ज्यूस जो है वो सबसे ज्यादा है, 74%, जैसा कि आपको पता है ज्यूस का ये एक नेशन है, ज्यूस की अपनी एक स्टेट है उनकी। अरब्स की जो पॉपुलेशन है वो है 21%, और उसके अलावा जो बाकी है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 5%। अब यहाँ का है तो यहाँ पे डेमोक्रेसी, बट यहाँ का इलेक्शन का जो प्रोसेस है या वोटिंग का जो प्रोसेस है वो हमारे इंडिया से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे, जैसे मान लो हम इंडिया का इलेक्शन अगर लेते हैं तो जब आप वोट डालने जाते हो तो क्या होता है, आपके सामने एक बैलेट पेपर होता है। हम मैनुअल वाले की बात करते हैं, ऑल दो आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात कर रहे हैं, तो मैनुअली जब डालने जाते हो या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भी डालने जाते हो तो आपके सामने पार्टी का सिंबल होता है और उसके आगे जो कैंडिडेट होता है उसका नाम होता है। अब आपकी अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे वोटिंग हुई है, अब किसी ने मान लो बीजेपी को वोट डाला, किसी ने कांग्रेस को डाला, अब फाइनली अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर से बीजेपी का कैंडिडेट जीत के आता है, वो क्यों जीत के आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वोट्स होती हैं वो उसको मिली होती हैं, तो जो नंबर वन पे आएगा उसको वहां से इलेक्टेड मान लिया जाएगा। बट यहां पे इस तरह से नहीं होता। यहां पे क्या होता है, टोटल 120 सीटें हैं, मल्टीपल पार्टीज हैं, हर पार्टी अपने 120 कैंडिडेट बता देती है कि मेरे ये 120 कैंडिडेट हैं, और सीरियल ऑर्डर दे देती है कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, रैंकिंग बोल सकते हो आप, एक रैंकिंग दे देती है उनको, प्रेफरेंस ऑर्डर दे देती है। तो जब कोई वोट डालने जाता है तो उसके सामने कैंडिडेट का नाम नहीं होता, सिर्फ पार्टी का नाम होता है, तो लोग पार्टी को वोट देते हैं। और जब एक किसी एरिया के अंदर जब पार्टी को वोट दिया तो उसके बाद ये काउंट किया जाता है कि इस पर्टिकुलर पार्टी को कितनी वोट्स मिली हैं। आपने देखा होगा जब इंडिया में हमारे इलेक्शन होता है तो कई बार जो पार्टी जीतती है, सत्ता में आती है, मेजोरिटी सीट्स ले जाती है, उसके पास जो परसेंटेज ऑफ वोट्स होता है वो कई बार 35% होता है। आपने सुना होगा कई बार कि जो पार्टी हारी भी है उसके पास भी वोट शेयर बहुत अच्छा था बट वो हार गई क्योंकि वो नंबर ऑफ सीट्स नहीं ले पाई, बट जो जीतने वाली पार्टी है उसकी जो वोट शेयर, चाहे उसने मेजोरिटी हासिल कर ली, अगर मान लो कहीं 120 सीटें थी किसी स्टेट के अंदर, चाहे उस पार्टी ने 70 सीटें ले ली, बट उसका जो वोट शेयर होगा, जितनी वोट्स पड़ी हैं, जो वोट शेयर पूरी स्टेट के अंदर होगा वो 35% के आसपास होगा। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये काउंट किया जाता है इसराइल के अंदर कि किस पार्टी को कितने परसेंट वोट्स मिले हैं। अब होगा क्या, मान लो पार्टी ए को मिले हैं 20% वोट्स, तो 20% ऑफ 120 क्या हुआ, 24। तो इस पार्टी के जो इन्होंने अपने कैंडिडेट्स की एक प्रेफरेंस लिस्ट बताई थी कि ये हमारा रैंक वन, ये रैंक टू, इनके टॉप के 24 इलेक्ट हो जाएंगे असेंबली के अंदर। ऐसी पार्टी बी है, अगर उसके 30% अगर वोट्स मिले हैं उसको पूरे इसराइल के अंदर, तो 30% ऑफ 120 मतलब 36 उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो असेंबली में जाएंगे। तो यहां पे इलेक्शन पार्टी के ऊपर होता है। इसी वजह से आज तक इसराइल की हिस्ट्री में किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है। क्लियर मेजोरिटी 120 से क्या चाहिए होगी, 61, मतलब 61 का आंकड़ा अकेली एक सिंगल पार्टी को आज तक नहीं मिला है। यहां हम थोड़ा सा देख लेते हैं, मल्टीपल पार्टीज हैं, हर पार्टी
अपनी एक आइडियोलॉजी की है। यहाँ पे पार्टीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं आपको इसराइल में, क्योंकि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है एक पार्टी, तो मल्टीपल पार्टीज हैं। कोई भी इन्फ्लुएंशियल फेस होता है वो अपनी एक पार्टी बना लेता है, नई नई पार्टीज इमर्ज होकर आती हैं, तो यहाँ पे वो फंडे नहीं चलते जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि अगर एक बीजेपी की पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, पुरानी पार्टीज हो गई है, एस्टेब्लिश हो गई हैं, अब कोई अगर नई पार्टी इमर्ज करेगी, मान लो आम आदमी पार्टी नेशनल लेवल पे एक बड़ा एक इन्फ्लुएंस करना चाहती है, तो उस केस में उसको कई साल लगेंगे धीरे धीरे ग्रो करने में। क्यों? हर जगह अपने एक पहुंच बनानी पड़ेगी, अपने कैंडिडेट्स खड़े करने पड़ेंगे, इन्फ्लुएंशियल कैंडिडेट्स खड़े करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे क्या है, फेस पे वोट्स पड़ती है। मान लो एक पर्टिकुलर ग्रुप का एक कोई फेस है जिसको वो ग्रुप बहुत अच्छे से मानता है, उसने एक अपनी पार्टी फ्लोट कर दी, तो ये पता है कि अब उसके लोग जो हैं उसकी पार्टी को वोट डालेंगे, तो वो अपनी एक पार्टी का लीडर बन गया, तो वो आगे चल के एक किंग मेकर हो सकता है, क्योंकि क्लियर मेजोरिटी तो किसी को भी नहीं मिल रही है। जब क्लियर मेजोरिटी किसी को भी नहीं मिल रही है तो वो एक किंग मेकर हो सकता है, और वो एक फेस, एक अच्छा पोर्टफोलियो जो सरकार आएगी उसमें मांग सकता है कि मुझे ये फलानी मिनिस्ट्री दी जाए। सो मल्टीपल पार्टीज हैं, मल्टीपल पार्टीज के मल्टीपल लीडर्स हैं। अब जो अभी लास्ट इलेक्शन था उसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो अभी इलेक्शन हुआ उसकी नहीं हम बात कर रहे, जो उससे पिछला इलेक्शन था उसका अगर आप देखोगे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया था अलग अलग पार्टीज ने असेंबली के अंदर, तो ये जो लिक्विड पार्टी है इसका जो वोट शेयर था, यहाँ वोट शेयर लिखा हुआ है 24.19%। अब ये जब 24.19% आप 120 का निकालोगे तो वो निकल के आएंगी लगभग 30 सीट्स। इसी तरह से जो यश अतीत पार्टी है उसका जो वोट शेयर था वो लगभग था 14%, ये अगर आप उसका निकालोगे तो वो निकल के आएंगी लगभग 17 सीट्स। इस तरह से जो है सीट्स अलग अलग पार्टीज को अलॉट की जाती है। आई होप अब आपको क्लियरली समझ आ गया है। एक चीज और इंटरेस्टिंग यहां पे आपको देखनी है, यहां लिखा हुआ है जब 2021 का इलेक्शन हुआ था उसके बाद जो रिजल्ट आया था उसके हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से क्या क्या सीटें उनको मिली। अब यहां पे आप देख रहे हो एज ऑफ जुलाई 2022, मतलब इस साल जुलाई के अंदर अंदर आते हुए इसकी सीट्स 30 से घटके 29 होगी, बाकी की आप देखोगे सबकी सेम है, बट इसकी 5 से बढ़के 6 हो गई। इसका मतलब एक कोई कैंडिडेट जो कि इस पार्टी से इलेक्ट हुआ था वो बीच में दूसरी पार्टी में चला गया। यहाँ पे जो स्प्लिट मर्जर है जो हम अपने इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में सुनते हैं कि अगर एक कोई बीजेपी की टिकट से इलेक्ट हुआ है वो इन बिटवीन कहे कि नहीं मैं तो बीजेपी छोड़ रहा हूं, मैं तो कांग्रेस में जा रहा हूं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहां ऐसा नहीं है, यहां पे ये नॉर्मल चलता रहता है कि एक बंदा एक पार्टी से इलेक्ट हुआ वो बीच में ही दूसरी पार्टी में स्विच ओवर कर जाता है, क्योंकि क्लियर मेजोरिटी किसी के पास भी नहीं है, तो अंदर ही अंदर पॉलिटिक्स चलती रहती है। आप समझ सकते हो कि सिस्टम कितना इनस्टेबल है कि अगर एक बंदा पीएम बनना है वो पीएम कैसे बनेगा, जब क्योंकि उसको तो क्लियर मेजोरिटी मिलनी बहुत मुश्किल है। इंडिया जैसे कंट्री में भी क्लियर मेजोरिटी किसी भी एक पार्टी को मिलनी बहुत मुश्किल है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो परसेंटेज के हिसाब से क्लियर मेजोरिटी मिलनी मुश्किल है। तो वो इंसान जो है बाकी पार्टीज को, छोटी पार्टीज को इकट्ठा करेगा, उनको इन्फ्लुएंस करेगा कि मैं आपको ये पोर्टफोलियो दे दूंगा, आपकी मैं ये डिमांड मानूंगा, तो 6-7-8 पार्टीज को इकट्ठा करके 61 का आंकड़ा जो है वो क्रॉस किया जाता है और उसके बाद एक गवर्नमेंट बनाई जाती है। सो बहुत खींचतान चलती है। सो आई होप अब आपको पॉलिटिकल सिस्टम वहां का वोटिंग सिस्टम समझ में आ गया है। अब एक बार हम ऑब्जर्व कर लेते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की जो लिक्विड पार्टी है, इनकी पार्टी का नाम है लिक्विड पार्टी, सो ये उनकी पार्टी का सिंबल है, कि इनका जो वोट सीट शेयर था वो आज तक कैसा रहा है जब ये अलग अलग बार इलेक्शन जीते, और इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसी रही है। ये टोटल अभी तक 15 साल के लिए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ये इसराइल के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री हैं। पहली बार ये जो प्रधानमंत्री बने ये 1996 के इलेक्शंस में बने, उस टाइम इनकी पार्टी को मिली 32 सीट्स आउट ऑफ 120। ये सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी और शायद जो फर्स्ट लार्जेस्ट जो टॉप मोस्ट पार्टी थी उसकी नियरली 33 सीट्स थी। तो आप ये देख सकते हो कि जो पहले नंबर पे पार्टी थी उसकी 33 सीट्स थी, बट इन्होंने खींचतान करके अपनी एक लाइजनिंग करके अपना एक कोलिशन गवर्नमेंट बना ली। अब वो इस डिपेंड करता है उस फेस के ऊपर, ये काफी फेमस फेस है इसराइल के अंदर, अभी आप समझोगे कितना इन्फ्लुएंस है इनका। उसके बाद क्या हुआ, 1999 के अंदर दोबारा इलेक्शन हुआ तो इनकी पार्टी हार गई,
और एक तरह से उस टाइम इन्होंने ये सोच लिया कि मैं पॉलिटिक्स से रिटायर हो रहा हूँ और मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, ये कॉरपोरेट सेक्टर में चले गए जॉब करने। उसके बाद क्या हुआ, आगे चल के इनकी पार्टी दोबारा जीती। जब इनकी पार्टी दोबारा जीतती, आई थिंक ईयर 2006 के आसपास की बात है, तब जो इनके सक्सेसर थे इस पार्टी के अंदर वो प्रधानमंत्री बने और इनको दोबारा इन्फ्लुएंस किया गया कि आप वापस पॉलिटिक्स में आओ। और वापस ये पॉलिटिक्स में आए तो उस टाइम पे इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद ईयर 2009 के अंदर फिर से इलेक्शन करवाया गया इनकी लीडरशिप के अंदर। उस टाइम इनकी पार्टी को मिली 27 सीट्स अगेंस्ट सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, जो टॉप की पार्टी थी उसकी अराउंड थी 28 सीट्स, ज्यादा फर्क नहीं था। बट अगेन इन्होंने अपनी जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार उस टाइम पे बना ली। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे जब प्रधानमंत्री कोई बनता है तो उसका जो टेन्योर होता है वो होता है 4 ईयर्स का, और नंबर ऑफ टर्म्स पे कोई लिमिट नहीं है। कोई बंदा कितनी भी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, बट जब एक बार इलेक्शन होता है तो उसके बाद मैक्सिमम 4 सालों के लिए बन सकता है। तो 2009 में इलेक्शन हुआ, इन्होंने अपना टर्म पूरा किया। अब आप यहां पे काउंट करो, फर्स्ट टाइम यहां प्रधानमंत्री बने, उसके बाद सेकेंड टाइम यहां बने, तो यहां पे इन्होंने अपना 4 साल का टेन्योर पूरा किया। उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए, तब इनकी लार्जेस्ट पार्टी बनी, इनको सबसे ज्यादा सीट्स मिली, 31 सीटें। फिर इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, तो उसके बाद 2015 आते आते अंदर पॉलिटिक्स तो चलती चलती है, क्योंकि अपने बेसिस पे तो गवर्नमेंट बना नहीं सके, जो दूसरी पार्टीज थी उसमें पॉलिटिक्स चलती रही, बीच में से किसी एक पार्टी ने भी जैसे मान लो सपोर्ट अपनी वापस ले ली तो सरकार जो है गिर गई। दोबारा इलेक्शन हुआ 2015 के अंदर, अब ये चौथी बार यहां पे दोबारा प्रधानमंत्री बने, इस बार इनको 30 सीट्स मिली। उसके बाद फिर इन्होंने अपना पूरा टेन्योर किया 4 साल का पूरा। अब यहां से थोड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट शुरू होती है। ईयर 2015 और 2019 के बीच में जब इन्होंने अपना पूरा 4 साल का टेन्योर पूरा किया, उसके अंदर 2017 के अंदर इनके ऊपर करप्शन और फ्रॉड चार्जेस लगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई कि इन्होंने कुछ केसेस के अंदर करप्शन किया है या कुछ फ्रॉड किया है, उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। और पुलिस की तरफ से यही था कि इन्होंने ये सब जो फ्रॉड और करप्शन है ये सब किया है, बट इनकी तरफ से हमेशा पब्लिकली यही कहा गया कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ये सब पॉलिटिक्स का एक नतीजा है। ऑल्दो अभी तक कोर्ट की तरफ से इस पर कोई जजमेंट नहीं आई है, इसकी प्रोसीडिंग्स अभी भी चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी इमेज को उस टाइम झटका लगा, बट इनका जो एक कह सकते हो कि सोसाइटी के अंदर जो एक प्रेजेंस है, जो इनकी एक फेस वैल्यू है, वो बहुत ज्यादा है। लोग इनके फेस पे ही वोट्स डालते हैं, ये बहुत फेमस फिगर हैं, लोग इनको बहुत प्यार करते हैं। एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो हमेशा इनके फेस पे ही वोट डालता है। तो उसके इस एलिगेशंस के लगने के बाद भी आप देख सकते हो ईयर 2019 के अंदर पहले से भी ज्यादा सीट्स इनको मिल गई। ये एक यहीं से आप देख सकते हो कि इनके ऊपर चाहे एलिगेशंस लग गए बट स्टिल पहले से भी ज्यादा सीटें इनको 2019 के अंदर मिली। अब उसके बाद जब ये दोबारा प्रधानमंत्री यहां बने तो 3-4-5 महीने के अंदर अंदर दोबारा जो सपोर्टिंग पार्टीज थी उन्होंने अपनी सपोर्ट वापस ली, दोबारा इलेक्शन करवाने पड़े। इस बार इनको 32 सीट्स मिली, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी, फर्स्ट वाली को अराउंड 33-34 ही मिली थी, बट अगेन अपनी जोड़ तोड़ करके अपने टैक्टिक्स के साथ इन्होंने अपनी सरकार एक बार दोबारा बना ली। ये सरकार भी ज्यादा देर नहीं चली, कुछ महीने चलने के बाद फिर जो पार्टीज थी उन्होंने अपनी सपोर्ट की। होता क्या, कोई ना कोई मुद्दा आ जाता है, मान लो एक आपने पार्टी को भरोसा दिया कि मैं अपने टर्म के दौरान आपका ये काम पूरा करूंगा या आपकी ये डिमांड पूरी करूंगा, बट वो चीज प्रैक्टिकली मान लो जब करने लगे तो अड़चन आ गई या कुछ और पॉलिटिक्स हो गई, तो वो पार्टी कहती ठीक है हम तो इस शर्त पे आए थे, उन्होंने सपोर्ट वापस ले ली, सरकार फिर गिर गई। उसके बाद मार्च 2020 में दोबारा इलेक्शन हुए, फिर इनकी पार्टी को 36 सीटें मिली, सबसे ज्यादा सीटें, एक बार फिर ये प्रधानमंत्री बने। और मार्च 2021 आते आते फिर दोबारा सरकार गिर गई। अब देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बार, 8 बार यहां तक ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और उसके बाद मार्च 2021 में दोबारा इलेक्शन हुए, इस बार इनको 30 सीटें मिली। बट इसके बाद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, वो क्या हुई, पिछले साल 2021 के मिड के अंदर जो ऑपोजिशन पार्टी थी उनमें से 8 पार्टीज जो थी आपस में मिल गई, और उनमें से एक जो पार्टी येश अतीद पार्टी के जो लीडर हैं येर लापिद और यमीना पार्टी के जो लीडर हैं नाफ्तली बेनेट, इन दोनों ने एक आपस में सेटिंग कर ली कि हम
दोनों जो है रोटेशन में प्रधानमंत्री बनेंगे, और हम ये 8 पार्टीज को मिला के 61 का इनका आंकड़ा बना था, 61 का फिगर इन्होंने इकट्ठा करा था कि हम अपना 61 का फिगर इकट्ठा करते हैं और इनको सत्ता से बाहर कर देते हैं, क्योंकि उनकी कुछ एक पार्टी छोटी मोटी पार्टीज उन्होंने अपने साथ में मिला ली थी, जो पहले बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट कर रही थी। सो बेंजामिन नेतन्याहू को पिछले साल मिड के अंदर प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया था। उस टाइम ये रिपोर्ट्स आने लगी थी कि शायद ये अब द एंड आ गया है बेंजामिन नेतन्याहू का, क्योंकि एक तो एलिगेशन लगे हुए थे, चार्जेस लगे हुए थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, प्लस सडनली इस तरह की एक डेवलपमेंट हो गई। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो, जब दूसरे जो आपके एंटी लोग हैं वो सरकार में आएंगे तो वो इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा और फास्ट ट्रैक पे होंगी, और कहीं ना कहीं ये लगने लग गया था कि ये शायद अब दी एंड है। अब पिछले साल जब बेंजामिन नेतन्याहू को प्रधानमंत्री के पद से हटाया गया था, तो उन्होंने ये दावा किया था कि ये सरकार ज्यादा देर नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप्स इकट्ठे हुए हैं उनकी जो उनका जो माइंडसेट है वो टोटली डिफरेंट है। सो इस तरह से ये सरकार नहीं चला पाएंगे, बट किसी तरह इन लोगों ने एक साल के लिए सरकार चलाई। पहले जो प्रधानमंत्री बने इस कोलिशन के अंदर वो बने नफ्ताली बेनेट, और सेटिंग थी इनकी कि बाद में जो है येर लापिद को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। बट एक साल आते आते, जो कि कहा जा रहा है ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है अगर इन्होंने इस कोलिशन के अंदर एक साल भी निकाल लिया, बट एक साल आते आते इस साल जून के अंदर एक पर्टिकुलर पार्टी ने अपनी सपोर्ट वापस ले ली और इनकी सरकार गिर गई। सो उसके बाद ये तय किया गया कि नवंबर के महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन कराए जाएंगे। तब तक के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट का गठन हुआ। केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं वो येर लापिद को बनाया गया, इन्होंने अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया, ये एक तरह से डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम के ऊपर। और साथ में इन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया था जब अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ा था कि ये जो नवंबर में इलेक्शन होंगे मैं इन इलेक्शंस के अंदर नहीं लड़ूंगा। सो ये डेवलपमेंट हुई, नवंबर आया, 1 नवंबर को इलेक्शन हुआ। अब जो न्यूज़ में रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 90% जो वोट्स हैं वो काउंट कर ली गई हैं, और लिक्विड पार्टी जो कि बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी है वो नियरली 32 सीट्स पे आगे चल रही है। इसके बाद जो सेकेंड पार्टी है वो येर लापिद की पार्टी चल रही है जो कि 24 सीट्स पे चल रही है। तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये डिफरेंस की वजह से, अगर ये डिफरेंस ज़्यादा ना होता तो अभी तक इतना कॉन्फिडेंटली ना कहा जाता, बट ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से अब ये माना जा रहा है कि एक बार फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया है जो कि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। आप यहीं से आइडिया लगा लो कि एक इंसान पहले तो इतनी बार, मतलब 8 बार इस इलेक्शन से पहले 8 बार प्रधानमंत्री रह चुका है और 15 साल के लिए रह चुका है, एलिगेशंस लगे उसके बाद भी पहले से ज़्यादा सीट्स पे वो जीत के आए उनकी पार्टी, और अब उनको जब प्रधानमंत्री के पद से हटाया गया, एलिगेशंस की प्रोसीडिंग्स चल रही है, एक बार इलेक्शन हुए और फिर वो लार्जेस्ट पार्टी के रूप में निकल के आए हैं। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इंडिया के लिहाज से बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू का आना इंडिया के लिए सही है या गलत है। देखो, किसी भी कंट्री के साथ अगर हमारे रिलेशंस अच्छे हैं तो हमेशा एक चीज़ ये चाहती है गवर्नमेंट कि उस कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, क्योंकि अगर हमारे किसी कंट्री के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, उसके अलावा हम कई सारे एग्रीमेंट साइन करते हैं, कई सारे MOU साइन करते हैं, कई तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो सब चीज़ें सेफ या एक जो हम उनसे रिजल्ट चाहते हैं वो तभी हो पाती हैं जब एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। आज वहाँ पे कोई गवर्नमेंट है, उनके साथ हमारी कुछ एक अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग के तहत हमने एक प्लान बनाया एक इन्वेस्टमेंट की, कल सडनली दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, दूसरा लीडर आ जाता है और उसका माइंडसेट टोटली डिफरेंट होता है, तो वो सब चीज़ें किसी और ट्रैक पे चल पड़ती हैं। जिस तरह से अभी पिछले एक साल में सरकार रही है वो बहुत ही ज़्यादा कोई स्टेबिलिटी तो थी नहीं उस सरकार के अंदर, ऐसी सरकार जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए सही नहीं होती है। और इसराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू जब इतने साल प्रधानमंत्री रहे हैं तो हिंदुस्तान के, अपने इंडिया के जो रिलेशंस हैं इसराइल के साथ वो अच्छे होते गए हैं, इम्प्रूव होते गए हैं, हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की और इनके जो बेंजामिन नेतन्याहू के पर्सनल रिलेशंस की बात करें, आप इन कुछ ट्वीट से आइडिया लगा सकते हो। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ईयर 2017 के अंदर नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो
पहले प्रधानमंत्री बने इंडिया के जो कि इसराइल के दौरे पे गए। हमेशा से इंडिया जो है थोड़ा रिलक्टेंट रहा था ओपनली इसराइल के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस दिखाने के को लेके, क्योंकि इंडिया जो है पैलेस्टीन, आपको पता होगा इसराइल पैलेस्टीन का इशू रहता है, तो पैलेस्टीन के स्टेटहुड के लिए इंडिया सपोर्ट करता रहा है। तो इंडिया को हमेशा से ये डर रहता था कि अगर मैं इसराइल के साथ खुल के अच्छे रिलेशंस दिखाऊंगा तो जो अरब वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनके साथ मेरे रिलेशंस में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। बट अब जो है इंडिया की पॉलिसी चेंज हुई है, तो इंडिया कहता है कि मेरे रिलेशंस अरब वर्ल्ड्स के साथ, वर्ल्ड के साथ तो अच्छे हैं ही, मेरे जहां इसराइल के साथ जब मेरे रिलेशंस अच्छे अंदर से हैं तो मैं खुल के क्यों डरूं उस चीज को एक्सप्रेस करने से। सो ये 2017 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री, पहली बार कोई प्रधानमंत्री जो है इसराइल के दौरे पे गए। सो ये तब के ट्वीट है, बेंजामिन नेतन्याहू का ये ट्वीट है ईयर 2017 का, जिसमें वो लिखते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग इसराइल, वी रिसीव यू विद ओपन आर्म्स, नरेंद्र मोदी, वी लव इंडिया। और इसके बाद नरेंद्र मोदी जी का अगर आप ट्वीट पढ़ोगे, ये भी 2017 का ही है, थैंक यू माई फ्रेंड PM नेतन्याहू फॉर दी साइंड फोटो, योर काइंड वर्ड्स, अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी एंड पैशन टुवर्ड्स इंडिया इसराइल फ्रेंडशिप। और इस फोटो के ऊपर ये जो बेंजामिन नेतन्याहू ने साइन करके हमारे प्रधानमंत्री को फोटो दी थी, उस पर लिखा हुआ है, टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद डीपेस्ट फ्रेंडशिप ऑन योर हिस्टोरिक विजिट टू इसराइल। सो आप देख सकते हो अंदर इनके जो रिलेशंस हैं वो इन चीजों से रिफ्लेक्ट होते हैं कि पर्सनल लेवल पे भी रिलेशंस काफी अच्छे हैं। उसके बाद एक और भी ट्वीट है, वेलकम टू इंडिया माई फ्रेंड सेड इजरायली PM नेतन्याहू एज PM नरेंद्र मोदी रीच्ड इसराइल टुडे। सो ये तब के आप देख सकते हो न्यूज क्लिप है, नेतन्याहू बोले भारत से आया मेरा दोस्त। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि पर्सनल लेवल पे अच्छे रिलेशंस थे। और उसके अलावा नेतन्याहू भी बाद में इंडिया आए तो इंडिया ने भी बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया, बहुत अच्छे से उनको रिस्पेक्ट दी, वो चीजें काफी ज्यादा मीडिया में हाईलाइट हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इंडिया इसराइल के रिलेशंस के बारे में जो कि आपको पता होने चाहिए। इंडिया जो है इसराइल का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एशिया के अंदर, और अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो सेवंथ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है ये इसराइल का। जो ज्यादातर ट्रेड है इंडिया और इसराइल के बीच में वो डायमंड्स का है, 40% जो ट्रेड है इंडिया इसराइल का वो डायमंड्स को लेकर होता है। जो मेजर चीजें हैं जो इंडिया इसराइल को एक्सपोर्ट करता है वो है प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स। टेक्सटाइल का जो कपड़े का व्यापार है वो इंडिया और इसराइल के अंदर अगर हम बात करें बहुत ग्रूम किया है, बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए, इंडिया इसराइल के रिश्तों की बात कर रहे हैं कि पहली जो एक यहाँ पे एम्बेसी खुली थी, पहली जो एक कॉन्सुलेट, एम्बेसी नहीं मैं बोलूंगा, कॉन्सुलेट जो खुली थी इंडिया के अंदर इसराइल की, वो खुली थी ईयर 1992 के अंदर। मतलब पहला मिशन जो इसराइल का इंडिया के अंदर खुला था ईयर 1992 के अंदर, और इसी साल इंडिया ने अपना मिशन खोला था इसराइल के अंदर। और अभी इसी साल हम 30 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है, क्योंकि 30 साल पूरे हो गए हैं। तो इन 30 सालों के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुई है, अगर हम ट्रेड की भी बात करें और बाकी चीजों की बात करें। अगर हम जो चीजें इसराइल से लेते हैं अगर उनकी बात करें तो हम उनसे प्रेशियस स्टोन्स लेते हैं, क्योंकि डायमंड कई प्रेशियस स्टोन्स हैं जो हम रॉ फॉर्म में लेते हैं, उनको अच्छे से उनको रिफाइन करके उनके शाइन वगैरह बढ़ा के उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, आपको पता है इंडिया के बारे में। उसके बाद केमिकल्स हैं, मिनरल प्रोडक्ट्स हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, बेस मेटल्स हैं, मशीनरी है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स है। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पोटैश इज अ मेजर आइटम ऑफ इसराइल एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, विद इंडिया बाइंग अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम इसराइल। मतलब पोटैश जो हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम इसराइल से इंपोर्ट करते हैं। इंडिया इंपोर्ट्स क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज फ्रॉम इसराइल। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है हमारा रिलेशन इंडिया और हमारा रिलेशन इसराइल के साथ। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन से आपको काफी ज्यादा नई चीजें पता चली है इसराइल के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम पता चला है, वहां का वोटिंग सिस्टम पता चला है। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको शायद लगता होगा कि इतने फ्रीक्वेंट इलेक्शन होते हैं तो जो वोटर टर्नआउट है, परसेंटेज है उनका, वो काफ़ी कम होता होगा। नहीं, इस बार का अभी जो इलेक्शन हुआ उसकी अगर हम बात करें तो नियरली 72% था। वहाँ के लोग भी अब यूज टू हो गए हैं, वो भी पूरे एंथुजियाज्म के साथ वोट करने आते हैं, उनको पता है हर कुछ टाइम के बाद इलेक्शन होंगे और हम वोट करने जाएंगे। सो हमें वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, वहाँ के वोटिंग सिस्टम के बारे में,
बेंजामिन नेतन्याहू की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, इंडिया इसराइल के रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी फैक्ट्स क्लियर हुए। सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।